बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बिजनौर से है, जहां पर बिजनौर के सीजेएम कोर्ट में शूट आउट का यह मामला सामने आया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मामले पर सुनवाई है। तो अदालतों की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार से हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी है। वहीं डीजीपी और प्रमुख सचिव भी को आज हाई कोर्ट में पेश होना है। तो पिछली सुनवाई पर आईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार, होम सेक्रेटरी भगवान स्वरूप पेश हुए थे। अदालतों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी टीम तैनात करने का भी आदेश दिया था। तो जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस सुनित कुमार की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। और शोएब रिजवी हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी, सुनवाई कब तक शुरू होगी? जी बिल्कुल, कोर्ट में इस मामले में आज की तारीख में सुनवाई होना है, क्योंकि विंटर वेकेशन के बाद आज से हाई कोर्ट में कार्य शुरू हुआ है। तो उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि पिछली तारीख पर भी इस पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कुछ जवाब मांगे थे जिसके जवाब को आज दाखिल करना है। कोर्ट ने पिछली तारीख को ही डीजीपी को भी तलब किया था, तो आज उम्मीद है कि ये लोग कोर्ट के सामने पेश करेंगे और कोर्ट उस पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी सरकार की तरफ से क्या पहल की गई है, किस तरह से योजनाएं हैं, उसकी जानकारी मांगी है, वो आज कोर्ट के सामने पेश करें। बिल्कुल, लेकिन शोएब ये जानकारी दीजिए, किस तरह का यह मामला है, क्योंकि हमेशा से ही यहाँ पर सुरक्षा को लेकर, हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर कहा जाता है, बातें की जाती है, लेकिन अब इसी मामले को लेकर ऐसे में सुनवाई होनी है, तो कितना अहम सुरक्षा को लेकर ये सुनवाई अब मानी जाए? बिल्कुल, जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं कोर्ट नाराज था और कोर्ट को लगा कि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वो एक बड़ी खामी है, और इसीलिए कोर्ट ने इन तमाम मामलों पर जवाब मांगा है कि कोर्ट के सामने इनको जवाब पेश करना होगा कि जिस तरह से इस तमाम घटना जो हुई है या इस तरह की चीजें हैं उस पर क्या अमल किया जा रहा है और किस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, उन सारी योजनाओं पर जानकारी मांगी है जिसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेत।